हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदने से होती है धन की बारिश, जबकि इनसे आती है गरीबी। जाने इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, दीपावली के दो दिन पहले आने वाला त्यौहार धनतेरस को बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस से ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली पर्व का उत्सव शुरू हो जाता है। इस साल 5 नवंबर को धनतेरस और 7 नवंबर को दीपावली का त्यौहार है। धनतेरस पर मार्केट से शुभ चीजों की खरीदारी का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन जो चीजें घर पर लाई जाती हैं, उससे घर पर सुख और समृद्धि आती है। धनतेरस पर धन की बारिश के लिए खरीदें ये चीजें। नंबर 1, सोने चांदी के सिक्के जिस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो शुभ होता है। नंबर 2, सोने चांदी से बने हुए गहनों को धनतेरस के दिन घर पर लाने पर साल भर माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। नंबर 3, जिन लोगों का अपना व्यवसाय होता है, उन्हें धनतेरस पर व्यवसाय से संबंधित कोई ना कोई चीज जरूर खरीदनी चाहिए। नंबर 4, धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं। नंबर 5, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए धनतेरस पर 11 गोमती चक्र को जरूर खरीदें। नंबर 6, धनतेरस पर पीतल के छोटे बड़े बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। नंबर 7, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 8, स्वास्तिक और ओम की आकृति से बना सामान जरूर खरीदें। नंबर 9, धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली वाले दिन पूजा में माँ लक्ष्मी को धनिये के बीज अर्पित कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। धनतेरस पर गरीबी से बचने के लिए भूल कर भी घर ना लाएं ये चीजें। नंबर 1, धनतेरस के दिन भूल कर भी शीशे का सामान ना खरीदें। माना जाता है कि शीशे का संबंध सीधा राहु से होता है, जो कि नीच ग्रह माना जाता है। नंबर 2, धनतेरस के दिन किचन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे नुकीला चाकू और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 3, धनतेरस पर एल्युमिनियम का बर्तन भी खरीदना वर्जित है। इसका संबंध भी राहु से होता है, इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। नंबर 5, धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 6, धनतेरस के दिन लोग ज्यादातर सोने से बनी चीजों की ही खरीदारी करते हैं, लेकिन इस दिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि इस दिन गलती से भी नकली ज्वेलरी घर में नहीं लाएं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदने से होती है धन की बारिश और किन चीजों को खरीदने से होती है बर्बादी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।